अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं कश्मीरी फूड। आज मैं आपको चिकन पिन व्हील बनाने की रेसिपी बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। पिन व्हील बनाने के लिए सबसे पहले मैं डो तैयार करूँगी। डो तैयार करने के लिए मैंने मैदा ले लिया है 1.5 कप और नमक जाएगा 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून कलवंजी जाएगी इसमें, और पानी हसबे ज़रूरत जाएगा। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम ये चीज़ें जो हैं वो मैदे में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे। एक हार्ड सा डो हमने बनाना है इसका। जी व्यूअर्स, ये मैंने गूंद लिया है आटा इसका, और ये मैं रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, इसको ढक के रख दूंगी, फिर ये हमारा सेट हो जाएगा। इसकी जो हम फिलिंग बनाएंगे उसमें जाएगा श्रेडेड चिकन, जो कि बॉयल कर लिए थे मैंने। 5 पीसेस बॉयल करके ये श्रेडेड कर लिए थे, और एक जाएगा आलू, मीडियम साइज़ का आलू था, बॉयल करके मैंने ये मैश कर लिया है। एक शिमला मिर्च थी जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, और प्याज इसी तरीके से बहुत फाइनली चॉप कर लिया है, 1 अदद प्याज था। और इस तरह स्पाइसेस में जाएगा टिक्का मसाला, ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो रेड चिली पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, और 1 टीस्पून जाएगा ब्लैक पेपर। ऑयल जाएगा 3 टेबल स्पून भर के। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल डाल दूंगी, और इसमें मैं ये डाल दूंगी अनियन जो फाइनली चॉप है। इसका जस्ट हमने लाइट सा कलर चेंज करना है। अनियन का कलर चेंज हो चुका है, अब मैं इसमें ये चिकन डाल दूंगी, श्रेडेड चिकन। साथ ही मैं इसमें ये स्पाइसेस डाल दूंगी। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस को थोड़ा सा मैं पकाऊंगी, पकाने के बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल दूंगी कि चिकन थोड़ा सा फाइन हो जाए। अब मैं इसको ढक के कुक करूंगी। चिकन हमारा अच्छे से कुक हो गया है, और अब इसमें मैं ये मैश आलू डालूंगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। साथ ही मैं ये शिमला मिर्च इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छा सा मैं मिक्स कर लूंगी कि ये सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाएं। मसाला हमारा रेडी है, और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, और अब इसमें इसको मैं प्लेट में निकाल लूंगी। डो को रखे हुए 20 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं इसको बोल से निकाल लूंगी। अगेन थोड़ा सा मैदा डस्ट करके थोड़ा सा गोल कर लूंगी। सरफेस में मैदा डस्ट करूंगी। मैदा डस्ट करने के बाद मैं इसको हाथ से सीधा करूंगी। और अब मैंने इसकी एक मोटी सी रोटी बेलनी है।
पहले हाथ से थोड़ा सीधा करेंगे ताकि थोड़ा सा ये सीधा हो जाए, फिर रोलिंग पिन से हम इसको बेल लेंगे। नाउ अब हम इसको रोलिंग पिन से बेलते हैं। एक मोटी सी रोटी हमने बनानी है इसकी। जी व्यूअर्स, ये मैंने बेल लिया और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए मैंने इतनी थिक रखी है, इसको बिल्कुल पतला नहीं बेलना वरना लेयर्स आपकी सही नहीं आएंगी। अब हम इसके ऊपर ये चिकन की जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो मैं लगाऊंगी हाथ की मदद से। मैं इसमें पहले रखूंगी इसके ऊपर, फिर मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी हाथ की मदद से। कॉर्नर्स तक हमने रखना है। नाउ अब मैं इसको हाथ की मदद से इस तरीके से सीधा कर देता हूँ। हाथ से प्लेन करने के बाद मैंने ये छोटी सी स्पून से इसको प्लेन कर लिया है। अब मैं इसको रोल करूंगी। यहाँ से हमने ऐसा ऐसा से टाइटली इसको रोल करना है। तरीके से हम वापस यूं होल कर लेंगे कि ये बराबर हो जाए। इसके कॉर्नर्स मैंने काट लिए थे और अब मैं इसको नाइफ से कट करूंगी। शार्प सी नाइफ ले ली है मैंने। तरीके से हम कट करते जाएंगे। मैंने ये पीसेस कट कर लिए थे, शार्प नाइफ थी मेरी, और अब मैं क्या करूँगी, इन पीसेस को हल्का सा प्रेस करूँगी, बहुत ही लाइट सा प्रेस करके मैं इस तरीके से साइड पे रखती जाऊँगी एक प्लेट में। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है और यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया था जिसको पानी में मैंने घोल के एक पतला सा लिक्विड बना लिया है। अब मैं पिन व्हील्स को इसमें डिप करके फ्राई करूँगी। हल्का सा डिप किया। फ्लेम ऑयल तेज़ गरम करके फ्लेम कम कर लेना है। ध्यान से वन बाय वन डालते जाएंगे।
जी व्यूवर्स, ये दो मेरे ब्राउन हो गए हैं और अब मैं इनको निकाल लूँगी। देखिए कितनी खूबसूरत सी लेयर्स आ रही हैं इनकी। इसी तरह मैं बाकी भी सारे फ्राई कर लूँगी, इनको निकाल लूँगी। जी व्यूवर्स, ये फ्राई हो गए हैं और अब मैं इनको निकाल लूँगी। देखें कितने खूबसूरत रिंग्स आ रहे हैं इसके। आपने भी डो थोड़ी सी थिक रखनी है, पतला नहीं बेलना, फिर इनकी लेयर्स नहीं आएंगी। थोड़ा सा और कुक हो जाए फिर मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। अब मैं इनको निकाल लूँगी। नाइफ का आप लोगों ने ख्याल रखना है और आप लोगों ने ख्याल रखना है डो का, कि वो बहुत ज़्यादा पतली ना हो, थिक सी डो बेलनी है। और जी व्यूवर्स, हमारे मज़ेदार से चिकन पिन व्हील तैयार हैं। उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।